नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वासुदेव साहू एंड आई वेलकम टू यू द वर्ल्ड चैनल। रिसेंटली चाइना पाकिस्तान से 38 मिलियन डॉलर की कंपनसेशन डिमांड की है और ये अमाउंट पाकिस्तान की ट्रबल इकोनॉमी के सामने और एक मुसीबत लेके खड़ा हो गया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्यों चाइना पाकिस्तान से 38 मिलियन डॉलर की डिमांड कर रहा है और क्या पाकिस्तान 38 मिलियन डॉलर पेड करेगा चाइना को। इन द एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल पाकिस्तान पर, सब कुछ देखेंगे डिटेल में ताकि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर समझ आ सके। बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। लट ऑफ डिस्कशन एंड व्हाट बिहाइंड इट एक्सप्लोर देम। दासुर डैम आपको पाकिस्तान की नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगा। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ के दासुर डिस्ट्रिक्ट में जाता है दासुर डैम। दो महीने पहले दासुर डैम साइड के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 चाइनीज नेशनल के साथ 4 पाकिस्तान की भी डेथ हुआ था। शुरुआत में तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया, ये जो ब्लास्ट है ना, ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये एक सिर्फ एक हादसा है। बाद में चाइनीज गवर्नमेंट की प्रेशर की चलते पाकिस्तान कबूल तो किया, नहीं ये एक टेररिस्ट अटैक है। और कुछ टाइम के बाद इस इंसिडेंट का रेस्पॉन्सिबल इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ को ठहरा दिया। इस स्टेटमेंट से दुनिया भी काफ़ी शॉक हुआ हो गया था। जो सरकार को कुछ एक घंटे पहले पता नहीं था कि इस इंसिडेंट टेररिस्ट अटैक है या सिर्फ इंसिडेंट है, उसको कैसे तुरंत पता चल गया कि नहीं ये रॉ ने करवाया है। खैर छोड़िए, जब से ये इंसिडेंट हुआ है यानी सिंस 14 जुलाई से जो चाइनीज कंपनी चाइना गजुआ ग्रुप कॉर्प का काम कर रहा था वो तब से काम बंद करके बैठा है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान को कहा है आप हमको 38 मिलियन कंपनसेशन दीजिए तब जाके प्रोजेक्ट का काम चालू होगा। 38 मिलियन यूएस डॉलर ना तो पाकिस्तान रुपीज में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर 38 मिलियन यूएस डॉलर को आप पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए जाओगे तो 650 करोड़ 56 लाख होते हैं ये पाकिस्तान रुपीज, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर पाकिस्तान ये अमाउंट चाइना को पेड करता है तो ये एक पैम्पलेट सेट हो जाएगा। कल को टेररिस्ट ग्रुप सोचेंगे हम अगर इस तरह चाइनीज नेशनल को अटैक करते रहेंगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को बिलियन ऑफ डॉलर पे करना होगा चाइनीज को, जो और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली काफ़ी हर्ट होगा इस स्टेप से। और इसका सीधा असर पाकिस्तान आम लोग पर पड़ेगा। ऐसे भी तो पाकिस्तान महंगाई का मार झेल रहा है। आप आज का डेट में पाकिस्तान में 1 kg सुगर का प्राइस 100 रुपया से भी अधिक है और 1 kg आटा का प्राइस तो 150 रुपया से भी ऊपर हो गया है। और टमाटो जो जरूर सामान है रोजमर्रा की ज़िंदगी में वो 104 रुपया में बिक रहा है आज पाकिस्तान मार्केट में। और रिसेंटली एक वीडियो में मैं देख रहा था, उनका एक लोकल पॉलिटिशियन बोल रहा था कि उनको जब पूछा गया कि ये महंगाई इतना क्यों बढ़ रहा है, उनका रिस्पॉन्सिबल इस तरह था जो आप हंसेंगे उस सुन के। उनका जवाब था कि अगर चाय में मैं 100 चीनी का दाना डालता हूँ अभी मैं कम करके 10 दाना डालूंगा, और अगर मैं 4 चपाती खाता हूँ एक बार में तो मैं 2 चपाती खाऊंगा, क्या मैं देश के लिए इतना भी कर नहीं पाऊंगा। और उन्हें आगे ये बोले कि क्या तुम देश के लिए इतना भी कर नहीं पाओगे। गजब गजब का दिमाग है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आज अज ऑलवेज गॉड फॉर योर वेल हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।